जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में। तो दोस्तों, हर रोज की तरह आज से हम निफ्टी बैंक की कंप्लीट एनालिसिस वीडियो और सभी बीच लाए हैं, जो कि कल के लिए होने वाली है। कल मीन्स हमारा जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है वो मंडे को होने वाला है। हमारी मार्केट जो ओपन होगी वो मंडे को ओपन होगी, तो मंडे को क्या मोमेंटम आपको निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकता है ये हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने ओपन करके रखा है। इसको अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं तो हम आपको एक चीज यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आप सभी को बता देना चाहते हैं यहाँ पे कुछ लेवल्स हमने लगा के रखे हैं। ये हमने एनालिसिस वीडियो में बताया था, हालांकि लाइव मार्केट में भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ था। तो अगर लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं आप हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग सेशन में, अगर नहीं जुड़े हैं, पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को हिट करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम इस चैनल के माध्यम से लाइव आए आपको हमारे लाइव की नोटिफिकेशन मिल पाए और आप हमारे साथ हमारी ट्रेड्स भी समझ पाए, हमारे लेवल्स भी, हमारे लाइव मूवमेंट को भी समझ पाए, कैसे क्या मेरा व्यू कहता है। अदरवाइज बिल्कुल फ्री आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दे रखी है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। एक चीज बताते हैं, मेरा कोई पेड प्रीमियम टेलीग्राम चैनल नहीं है और ना किसी को मैं मैसेज करता हूँ इंस्टाग्राम के माध्यम से, ना टेलीग्राम के माध्यम से, ना व्हाट्सएप के माध्यम से। तो अगर हमारी तरफ से अगर आपको मैसेज आता है या किसी प्रकार की पैसे की डिमांड होती है तो प्लीज वो फ्रॉड कर रहा है आपके साथ, तो ऐसे फ्रॉड से सावधान रहना है, क्योंकि मेरे नाम से कई सारे फेक चैनल्स भी बने हुए हैं। इसलिए टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, अदरवाइज किसी फेक ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कल के होने वाले मोमेंटम के बारे में, मतलब मंडे को मार्केट अब क्या चाल चल सकती है, मतलब अपसाइड में या फिर थोड़ा सा करेक्शन डाउनसाइड में भी हो सकता है, देखने वाली बात होगी। उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि 2-3 दिन पहले, मतलब 10-11 तारीख वाले मैंने वीडियो में बताया भी था कि मार्केट अगर यहाँ पे मैंने बताया था या ये मार्केट जो है ऊपर की तरफ नीचे ये 41,000 लेवल के टच करके फिर नीचे की तरफ आई थी, मुझे लगता है 100-200-300 पॉइंट के आसपास। इसी दिन वाले वीडियो में शायद मैंने बताया था कि मार्केट अगर 41,000 के लेवल पे थोड़ा सा सस्टेन रहती है, 41,000 अबव अगर रहती है, ट्रेड करती है, गैप अप करती है, तो ये कब हवा में 42,000 का टारगेट अचीव कर देगी, 42,000 का टारगेट अचीव कर देगी, किसी को नहीं पता चलेगा। और आप देख सकते हैं कि मात्र 2 से 3 दिन में यहाँ पे मार्केट जो है मूवमेंट किया है, 42,000 का टारगेट अचीव कर लिया है 42,000 का। तो पोजिशनल ट्रेड चूंकि हम करते नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे पोजिशनल आप सभी को कुछ बताया नहीं था, हालांकि इंट्राडे बेसिस पे जो लेवल्स होते हैं वो एनालिसिस वीडियो के अकॉर्डिंग भी हिट ही होते हैं। आप अगर नए हैं तो 4 से 7 दिन 8 दिन हमारे साथ कुछ दिन बन के देखिए, सेल के माध्यम से ऑब्जर्वेशन कीजिए, जरूर आप सभी के समझ में आ जाएंगी चीजें। तो सबसे पहले मैं ये सारे लेवल रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आप सभी को, ये जो मोमेंटम आपको देखने को मिला है तो ये मैंने नो ट्रेडिंग जोन बताया हुआ था 41,650, 41,650 से लेकर के 600 के बीच में। मैंने कहा था कि मार्केट अगर इसके ऊपर ही ट्रेड करती रहती है, इसमें तो ट्रेड करना नहीं है, इसके नीचे आती है तो हम डाउनसाइड में बनेंगे, अदरवाइज इसके ऊपर जब तक रहती है तब तक हमें 41,750 के लेवल और 42,000 तक के लेवल मैंने आप सभी को शायद बताए थे, वो टारगेट अचीव भी हुए। 42,000 का लेवल नहीं बताया था, 41,950 का लास्ट टारगेट बताया हुआ था, इसके बाद फिर 41,050 का साथ बताया था। तो ये दो टारगेट्स आप देख सकते हैं कि इससे भी 100 पॉइंट ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ है, मतलब 42,000 के आसपास यहाँ पे 42,000 के प्लस में मार्केट ने क्लोजिंग करी है बैंक निफ्टी की, ठीक है। ये चीजें हो जाती है। अब यहाँ पे सारे में लेवल रिमूव करता हूँ और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ कि यहाँ पे मैक्सिमम बाइंग कहाँ पे आई है, मतलब हमारा डिमांड जोन कहाँ कहाँ पे बन रहा है। वहां पे मैं कर रहा हूँ एक रेक्टेंगल टूल की मदद से मार्क, तो मेरा बाइंग एरिया जो सबसे नियरेस्ट बन रहा है वो ये बन रहा है, मतलब यहाँ पे यहाँ से बाइंग आई है और ये एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा था अभी तक, बट अभी सपोर्ट का काम करेगा मार्केट को नीचे समझने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये वाली रेंज, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है 750 के आसपास की, तो यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही मार्क कर देता हूँ। देखिए ये हो जाती है 750 की रेंज, ओके। अब हम यहाँ पे समझते हैं, देखिए जब तक 750 के ऊपर है मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर चुकी है, बहुत अच्छी तरह से ब्रेक करी है, और ये लेवल जो था हमारा जो रेंज बना रही थी ये लेवल भी ब्रेक हो चुका है 500-600 ये वाला लेवल, ओके। तो हालांकि जब तक इस लेवल के ऊपर रहती है, जब तक 41,750 के ऊपर ही रहती है
और मार्केट नीचे नहीं जाती, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाती, ऊपर ऊपर ट्रेड किया करती किया करती किया करती, तो हमें फिर 43,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, मतलब ऊपर का रेजिस्टेंस जो मुझे देखने को मिल रहा है, या फिर टारगेट्स कह सकते हैं कि 42,950 का मिल रहा है अपर साइड के लेवल, इस चीज को समझ लीजिएगा। मतलब मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 42,130 के आसपास में, तो मोमेंटम 700-800 पॉइंट का ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकता है, बशर्ते कुछ लेवल्स हैं उनको ब्रेक करेगा। तब वो लेवल्स कौन से होने वाले हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब हम लगाते हैं यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को, और चार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे हम छोटा कर ही लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। देखिए चीजें अगर समझ में ना आए तो मेरे दोस्त भाई हूँ आपका, दो बार चार बार छह बार पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आप सभी को सब्सक्राइबर्स में काउंट करता हूँ, सब्सक्राइबर्स नहीं, आप हमारी फैमिली हैं, भाई हैं, बंधु हैं, बहने हैं, ठीक है। तो जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं प्लीज लाइक कीजिएगा एक बार। आगे के टारगेट्स मुझे देखने को मिल सकते हैं मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, ये लेवल है 42,250 का लेवल, यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 60 का, ओके। और इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ताकि देखने में भी अच्छा लगे और ऊपर की तरफ इंडिकेटर भी मुझे मिल जाए, ठीक है। तो अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में, कल के मींस मंडे के ट्रेडिंग सेशन में 42,260 का लेवल ब्रेक होता है अपसाइड में, सस्टेन किया करता है या फिर गैप अप हो जाती है, तो नेक्स्ट लेवल मिलेगा 42,580 के आसपास का, एंड देन इसके बाद में फिर 42,950, एंड देन उसके बाद में 43,050 का, ये लेवल देखने को मिल सकते हैं क्रमशः इस प्रकार से। ये फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट, ये इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम सीधा कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से मार्किंग, ताकि आप सभी को भी, यहाँ पे मैंने बताया है 580 के आसपास का लेवल, ये टारगेट मिलेगा ऊपर की साइड में। इसका कलर मैं चेंज करता हूँ इस तरह से, और इसकी चौड़ाई थोड़ा कम करता हूँ। देन जो सेकेंड टारगेट मिलेगा, मतलब 950 का, तो यहाँ पे मिलेगा 950 के आसपास का, क्योंकि 43,050 पे हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, मतलब 43,050 पे हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो ये लेवल क्या होगा, इस रेंज में रह सकता है। मैं राउंड फिगर 50 पॉइंट बफर कर लेता हूँ और 100 का कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मार्केट 2-4-10 पॉइंट ऊपर नीचे बहुत जल्दी होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये लेवल 111 का कर लेते हैं, 950 का मैं थोड़ा सा यहाँ पे, उम्मीद है समझ जाएंगे आप सभी लोग ये, ठीक है। मार्केट अगर ऊपर जाती है तो एक चीज समझ लीजिए, अगर भारी गैप अप करा देती है 42,580 के लेवल के आसपास में, 580 का, सॉरी मैं यहाँ पे फिर से मार्क करता हूँ आप सभी को, सॉरी 580 का ये लेवल, मार्केट अगर गैप अप करा देती है, भारी गैप अप 42,580 के लेवल के आसपास में, तो मैं आपको बता दूं तो 42,500 का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, 80 पॉइंट में मूवमेंट कर सकती है। तो 500 से लेकर के 580 के बीच में हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पे मैं इस चीज को NTZ बोल दे रहा हूँ, मतलब नो ट्रेडिंग जोन। इसके ऊपर जाएगी, 580 के ऊपर जाएगी, तो फिर 42,950 के लेवल के लिए हम बैठ सकते हैं। अगर 42,500 के नीचे ही रहती है तो हम यहाँ पे, हमें टारगेट रिवर्स देखने को मिल सकता है 42,260 के आसपास का, ठीक है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। और नीचे मैक्सिमम कहाँ तक आ सकती है, इस चीज के लिए मैं लगाता हूँ यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट का टूल, और फिब रिट्रेसमेंट के टूल को इस यहाँ से खींचता हूँ और 500 के लेवल पे लाता हूँ, 260 का और 150 का, ये लेवल मुझे यहाँ तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर ये 42,260 के आसपास आई तो 42,150 के आसपास में, मतलब 100 पॉइंट और नीचे आ सकती है, यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ बूम कर सकती है। बट अगर यहाँ पे 42,260 के आसपास ऊपर सस्टेन रहती है, तो हमें 42,500 और 42,580 ये लेवल देखने को मिलेंगे। इस लेवल में ट्रेड ना करें तो सही रहेगा, 80 पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। देन उसके बाद में 580 या 600 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे 42,950 के लेवल्स मिल सकते हैं। हम एक चीज बता देना चाहते हैं, इसके ऊपर मान के चलो अगर आप कॉल साइड में एंट्री लेते हैं तो आपको अगर 100 पॉइंट 200 पॉइंट में प्रॉफिट मिल रहा है तो पहला दूसरा टारगेट यहाँ पे इस तरह से ले लेंगे, तीसरे टारगेट इसको मान लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट मत बैठिएगा जीत करके, क्योंकि मार्केट में जीत वीत चलती नहीं है भैया, मार्केट को आगे आगे चलने, तो उसके पीछे पीछे चलो, आपको प्रॉफिट मिलता जाएगा।
लेकिन अगर मार्केट के आगे 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 ट्रेड करेंगे, एडवांस में करेंगे कि नहीं अब गिरेगी अब गिरेगी अब गिरेगी अब गिरेगी, तो पुट 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 लेते रहेंगे और पुट 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 आपका पैसा जाता रहेगा। चीजों को समझिए, मैं जो एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ उसी एक्सपीरियंस से आप भी सीख जाएंगे तो सही रहेगा, अदरवाइज आप गलती करके सीखेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए बताता हूँ कि जो बिगिनर्स हैं वो यहाँ पे कंटिन्यू बने रहे हमारे साथ। अच्छा एक चीज मैं बता देता हूँ कि मैक्सिमम अगर गिरावट, अच्छा अपसाइड में अभी हमने बात की अपसाइड के, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है तो अपसाइड की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट डाउन आ जाती है, मार्केट गैप डाउन करा देती है तो क्या चीजें होने वाली है, इस चीज को भी हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे देखने को मिलता है कि 41,950 ये जो लेवल है ये सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ से फिर से मार्केट बूम कर सकती है 41,900 से 950 से, ठीक है। जब मार्केट 41,950 के लेवल को या फिर 900 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करेगी, 41,900 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो मुझे 41,750 का एंड देन उसके बाद में 41,600 का ये लेवल देखने को मिल सकता है। मतलब गिरावट आती है तो यहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है लेवल, देन इसके बाद फिर से ऊपर की तरफ थोड़ा सा करेक्शन या फिर इस लेवल में रेंज बाउंड भी रह सकती है। ये चीज समझ लीजिएगा, 750 से 600 के बीच में थोड़ा सा रेंज बाउंड या फिर इसके ऊपर जाती है ये लेवल। इसके नीचे फिलहाल मुझे नहीं लगता अभी जाएगी, अगर जाएगी तो 100 पॉइंट, हाँ 500 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। और अगर नीचे जाएगी तो टेलीग्राम के माध्यम से आप सभी को मैं समझाऊंगा या बताऊंगा या लेवल प्रोवाइड कराऊंगा। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। कोई दिक्कत होती है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है, चीजें समझ में नहीं आती, मेरे भाई आपका भाई बैठा है आपके लिए, आपके हित के लिए, आपकी सेवा के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में निफ्टी एनालिसिस की वीडियो में भी मिलेंगे। थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं ऊपर नीचे या फिर ग्लोबल मार्केट की अपडेट के अकॉर्डिंग, तो मैं लेटेस्ट वीडियो भी अपडेट कराऊंगा आप सभी को। अगर कुछ होता है तो मंडे मार्केट ओपन होने से पहले, तो इस चीज को समझ लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तभी आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है आपका प्यार मिल चुका होगा, प्यार मतलब लाइक आपने कर दिया होगा और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अगर फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, ऑल ऑफ यू।